हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ श्री कृष्णा क्लासेस। आज पढ़ने जा रहे हैं हम लोग ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म का लेक्चर नंबर 3, डेट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। लास्ट दो लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा रिएक्शन मैकेनिज्म का, लास्ट दो लेक्चर जो हो चुका है जिसकी वीडियो आप लोगों को श्री कृष्णा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेगा, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। लेक्चर नंबर फर्स्ट में हम लोग पढ़े थे फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन के बारे में, और लेक्चर नंबर सेकंड में पढ़े थे रिएक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी प्रिंसिपल। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, जो कि रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर ही हम लोग पढ़ते हैं, जहाँ पे सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होता है किसका, इलेक्ट्रोफाइल का। तो सबसे पहले हम लोगों ने बताया था कि आप लोगों को बताए थे हम कि सब्सटीट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। जिन बच्चों ने लास्ट लेक्चर देखा होगा उनको पता होगा कि सब्सटीट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, लेकिन जो बच्चे भूल गए हैं कि सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होता क्या है, उनको मैं फिर याद दिला देना चाहता हूँ कि मान लो एक रिएक्टेंट है ए बी, मान लो एक रिएक्टेंट ए बी सी के साथ रिएक्ट कर रहा है, सी के साथ रिएक्ट कर रहा है, ये क्या है रिएक्टेंट, ए बी क्या है रिएक्टेंट, सी क्या है रिएजेंट, और जब ए बी सी के साथ रिएक्ट करता है किसी कंडीशन में, कोई भी कंडीशन हो, यहाँ पे कैटलाइज्ड हो सकता है, लाइट हो सकता है, सॉल्वेंट हो सकता है, तो कोई भी कंडीशन में अगर कोई रिएक्टेंट ए बी सी के साथ रिएक्ट कर रहा है तो कंपाउंड क्या बना रहा है, मान लो अगर कंपाउंड ए सी बना प्रोडक्ट, तो यहां पे क्या हो रहा है बच्चों, पहले रिएक्टेंट क्या था ए बी, रिएजेंट क्या था सी, किसी कंडीशन में रिएक्ट हुआ बना क्या ए सी, तो यहां पे क्या हुआ ए के साथ पहले बी था, बाद में क्या हुआ सी, मतलब ये जो सी है वो बी को ए से हटा दिया, ये सी क्या किया बी को ए से हटा दिया, मतलब सी जो है बी को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, बी के जगह पे जाके सी लग रहा है, मतलब बी को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, कौन कर रहा है सी, तो सी यहां पे जो रिएजेंट है ये सब्स्टिट्यूटिंग रिएजेंट है, ये क्या करता है सब्स्टिट्यूट करता है। और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर ये सी फ्री रेडिकल हो तो रिएक्शन कौन सा होगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और उसी समय मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था लेक्चर नंबर 1 में कि अगर ये सी इलेक्ट्रोफाइल हो, अगर ये सी इलेक्ट्रोफाइल हो तो रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा, अगर ये सी इलेक्ट्रोफाइल हो तो रिएक्शन का नाम होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों होगा, क्योंकि ये जो सी है वो सब्स्टिट्यूट कर रहा है, और सी यहां पे इलेक्ट्रोफाइल है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बच्चों, बहुत बच्चों को ये नहीं पता होगा कि इलेक्ट्रोफाइल होता क्या है, ऐसे श्री कृष्णा क्लासेस मधेपुरा के जो रेगुलर स्टूडेंट है उनको क्लास में पढ़ाया जा चुका है कि ये इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल फ्री रेडिकल क्या होता है, लेकिन जो बच्चे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, रेगुलर स्टूडेंट नहीं है श्री कृष्णा क्लासेस मधेपुरा के, तो उनको मैं शॉर्ट टर्म में एक बार बता देता हूँ कि इलेक्ट्रोफाइल होता क्या है। तो स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रोफाइल जो होता है दो वर्ड से बना होता है, ये इलेक्ट्रोफाइल जो होता है दो वर्ड से बना होता है, पहला इलेक्ट्रॉन, दो वर्ड से बना होता है, जिस पहला इलेक्ट्रो दूसरा फाइल, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन और फाइल का मतलब होता है लविंग, फाइल का मतलब क्या होता है लविंग, तो मतलब क्या हुआ इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, मतलब हिंदी में इसको क्या बोलेंगे इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला। तो इलेक्ट्रॉन को कौन चाहेगा बच्चों, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वही इलेक्ट्रॉन को चाहेगा, इलेक्ट्रॉन की कमी किसके पास होगी, जिसके पास प्रोटॉन ज्यादा होगा, तो मतलब इलेक्ट्रोफाइल के पास क्या होगा प्रोटॉन होगा, तो इसके पास इलेक्ट्रोफाइल के पास क्या होता है इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो इसको आप लोग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, डेफिशिएंट का मतलब कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी इसका मतलब होता है कमी, और इसका इलेक्ट्रॉन की कमी, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो उसके पास प्लस चार्ज होगा प्रोटॉन होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम है उसके पास क्या होगा प्रोटॉन होगा। तो इसको डेनोट जो करते हैं इलेक्ट्रोफाइल को, उसको ऐसे ई लिख दिए और इसके ऊपर में प्लस चार्ज देके घेरा लगा दिए,
हो गया इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल को ऐसे डिनोट किया जाता है, इलेक्ट्रॉन लविंग होता है, इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला होता है। क्यों चाहता है? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को चाहता है। प्रोटॉन ज्यादा होता है, इसलिए प्लस चार्ज से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, बस इतना ही जानना है जो कि नेसेसरी होता है हम लोगों के लिए। बाकी इसको डीप में पढ़ना हो तो आप लोगों को एक अलग से वीडियो बना के दिया जाएगा, उसके लिए आप लोग टेंशन ना लें। लेकिन अभी जितना जरूरी है इलेक्ट्रोफाइल को जानने के लिए, उसमें हम लोगों ने पढ़ चुका है कि इलेक्ट्रॉन लविंग होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला। इलेक्ट्रॉन को कौन चाहेगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। इलेक्ट्रॉन की कमी मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और इलेक्ट्रॉन की कमी किसे होती है? जिसके पास प्रोटॉन ज्यादा हो, तो मतलब ई पॉजिटिव प्लस से इसको डिनोट करेंगे। तो ये चीज समझ में आ गया, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, कि मान लो कोई रिएजेंट है वो रिएक्टेंट के किसी एटम या ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करके उसके जगह लग रहा है, तो वो सब्स्टिट्यूशन हुआ। और अगर वो सब्स्टिट्यूट करने वाला रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल हो तो इलेक्ट्रोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ। ठीक है, तो इतना हम लोगों को समझ में आ गया। जिन बच्चों को लिखना वो लिख ले, बाकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद इसका हम लोग रिएक्शन देखेंगे, फेमस रिएक्शन क्या होता है, तो आप लोग इसको लिखे जल्दी से। समझ में आया रे? तो स्टूडेंट्स, हम लोग देखे हैं कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है और किस तरह से इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन होता है किसी रिएक्शन में, और जिस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन होता है उस रिएक्शन को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। तो इसका एक बहुत ही फेमस रिएक्शन है जिसको ये खास तौर पे जिसको हम लोग पढ़ेंगे, इसका बहुत ही फेमस रिएक्शन है एक जिसको आज हम लोग पढ़ेंगे। एक नहीं, दो तीन रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है वो खास तौर पे किस में होता है, तो वो हेलोएरिनीज में होते हैं। ये खास करके किस में होते हैं, ये रिएक्शन होते हैं इन हेलोएरिनीज, हेलोएरिनीज। अब स्टूडेंट्स पूछ रहे होंगे, सर ये हेलोएरिनीज क्या होता है, कि सर ये हेलोएरिनीज क्या होता है? तो हेलोएरिनीज मतलब क्या होता है बच्चों? हेलो मतलब हुआ हेलोजन, एरिनीज मतलब हुआ एरोमेटिक कंपाउंड। क्या हुआ? हेलो मतलब हेलोजन्स, एरिनीज मतलब एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन, बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड होता है बच्चों। बेंजीन या बेंजीन का डेरिवेटिव, ठीक है, बेंजीन या बेंजीन का डेरिवेटिव को एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। और इसको डीपली में मैं पढ़ा चुका हूँ एक बार, सिंपली यहाँ पे जानना है हम लोग बेंजीन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और या उसके डेरिवेटिव के बारे में। ज़्यादा डीप में हम नहीं जाएंगे, एरोमेटिक क्या होता नहीं होता ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, क्लास में पढ़ा चुका हूँ। यहाँ पे हम लोग देखेंगे एरोमेटिक में, एरोमेटिक कंपाउंड में जब हेलोजन लगा हो तो उसको हेलोएरिनीज कहते हैं। जैसे एक बेंजीन है, बेंजीन हम सबको पता है कि एक एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। बेंजीन में क्या लगा हुआ है? बेंजीन में अगर एक हेलोजन लगा दो, मान लो सीएल लगा दो, तो ये क्या हो जाएगा? हेलोजन और एरोमेटिक कंपाउंड, तो इसको बोलते हैं हेलोएरिनीज। क्या बोलते हैं? हेलोएरिनीज। जैसे हम लोग हेलो एल्केन पढ़े थे कि एल्केन में हेलोजन लगा हो तो हेलो एल्केन होता है, ठीक उसी तरह अगर एरोमेटिक कंपाउंड में हेलोजन लगा हो तो हेलोएरिनीज होता है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है वो खास तौर पर किस में होता है? हेलोएरिनीज में, ठीक है। तो हेलोएरिनीज क्या होता है? बेंजीन या बेंजीन के डेरिवेटिव पे अगर हेलोजन लगाओ तो हेलोएरिनीज होगा, ठीक है। तो हेलोएरिनीज पे क्या होगा? इसमें होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब वो रिएक्शन होगा कैसे? ये जो बेंजीन होता है, ये हेलोएरिनीज जो होता है, ठीक है बच्चों, ये हेलोएरिनीज पे क्या करता है? इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो अटैक करता है इस रिएक्शन में। शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बता रहा हूं कि इस रिएक्शन में होता क्या है, कि इलेक्ट्रोफाइल जो होता है, सब्स्टिट्यूटिंग रिएजेंट क्या होता है इसमें? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है? जब इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट करे, मतलब सब्स्टिट्यूट करने वाला इलेक्ट्रोफाइल हो, तो यहां पर इलेक्ट्रोफाइल होगा सब्स्टिट्यूट करने वाला रिएजेंट। क्या होता है कि इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो इस पर अटैक करता है। इस पर अटैक क्यों करता है वो अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। इस पर अटैक करता है और इसके साथ लग जाता है, ठीक है, इस पर अटैक करके इसके साथ जुड़ जाता है, ठीक है। यहाँ पे सीएल होगा और यहाँ पे जो होगा, यहाँ भी सीएल होगा, ठीक है, ठीक है, ऐसे इस पर अटैक कर रहा है।
ये इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा, माफ करना ये सीएल नहीं होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल होगा। इलेक्ट्रोफाइल इस पोजीशन पे अटैक करेगा या नहीं तो इस पोजीशन पे अटैक करेगा, या तो इलेक्ट्रोफाइल यहां लगेगा या इलेक्ट्रोफाइल कहां लगेगा, ये सीएल पहले से है, इलेक्ट्रोफाइल या तो यहां लगेगा या यहां लगेगा। अब क्यों लगेगा यहां पे वो देखना जरूरी है, क्यों लगेगा यहां और यहां पे, यहां क्यों नहीं लगेगा सर, इधर से भी लगाओगे तो यहां पे लगेगा या यहां पे लगेगा। इस पोजीशन को क्या बोलते हैं, ऑर्थो पोजीशन। क्या बोलते हैं, ऑर्थो पोजीशन। इस पोजीशन को क्या बोलते हैं, पैरा पोजीशन। ऑर्थो और पैरा पे, हेलो एरिन इस पे क्या इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन किस में होता है, खासतौर पे हेलो एरिन इस में होता है। कैसे होता है, हेलो एरिन इस पे क्या करता है, इलेक्ट्रोफाइल जो होता है अटैक करता है। किस पोजीशन पे अटैक करेगा, या तो ऑर्थो पे या पैरा पे, मेटा पे नहीं करता है। क्यों नहीं करता है और क्यों ऑर्थो या पैरा पे करता है वो अभी हम लोग देखेंगे। कैसे करता है, पहले तो ये आप लोग लिख लो, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हेलो एरिन इस पे ऑर्थो या पैरा पे ही अटैक होता है इलेक्ट्रोफाइल का। ठीक है, तो इसको आप लोग जल्दी से लिखो, छोटा सा जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग देखे क्या कि हेलो एरिन इस पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है। कहां पे अटैक होता है, या तो ऑर्थो पे होगा या पैरा पे होगा, मेटा पे नहीं होता है। क्यों नहीं होता है वो अभी हम लोग देखेंगे। तो एक कंपाउंड लिए, हेलो एरिन इस एक लिए, डेट इज बेंजीन पे हेलोजन हो, एक एक क्लोरोबेंजीन लिए, क्लोरोबेंजीन जिसको हेलो एरिन इस आप लोग कह सकते हैं। क्लोरोबेंजीन क्या किया, आप सभी को पता है कि क्लोरीन के पास होता है इलेक्ट्रॉन फ्री लोन पेयर। क्लोरीन के पास क्या होता है, फ्री लोन पेयर। फ्री लोन पेयर क्या करेगा, पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में। फ्री लोन पेयर क्या है, ये पाई सिग्मा लोन पेयर। पाई सिग्मा लोन पेयर का क्या होगा, रेजोनेंस होगा। ये कंजुगेशन में पाई सिग्मा लोन पेयर का कंजुगेशन, पाई सिग्मा लोन पेयर का कंजुगेशन में रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस होगा तो इसका और भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, तो इसके और भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा कैसे, ये जो इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, क्या करेगा अपना इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा। पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव होता है रेजोनेंस में, क्या होता है पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव होता है। यहां पे पाई इलेक्ट्रॉन्स है कंजुगेशन में, मूव होगा वो इलेक्ट्रॉन तो क्लोरीन पे क्या आएगा। ध्यान देने की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो क्लोरीन है क्लोरीन पे आएगा प्लस और ये जो डबल बॉन्ड यहां से टूटेगा, यहां पे डबल बॉन्ड बनेगा, यहां पे माइनस आएगा। क्या हुआ, ध्यान देने की बात है, रेजोनेंस आप सभी को पता होगा कैसे होता है और कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है। तो उसके जो कंडीशन है, यहां पे एक फुलफिल हो रहा है कंजुगेशन का, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, पाई सिग्मा लोन पेयर का। तो लोन पेयर का जो है, लोन पेयर इधर अपना क्लोरीन जो अपना इलेक्ट्रॉन इधर देगा, ठीक है, ये माइनस यहां आएगा, यहां पे डब बॉन्ड बनाएगा और ये माइनस चल के यहां पे आ जाएगा। ठीक है, और क्लोरीन जब माइनस देगा क्लोरीन पे प्लस आएगा। ठीक है, फिर ये माइनस क्या होगा यहां शिफ्ट करेगा। ठीक है, माइनस यहां शिफ्ट करेगा, इसका दूसरा स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, Cl ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा, पाई इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हुआ तो यहां बॉन्ड बनेगा और यहां पे माइनस आ जाएगा। ये माइनस क्या हुआ, सीधे यहां पे आ गया। थर्ड स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, डबल बॉन्ड। थर्ड स्ट्रक्चर यहां पे Cl प्लस ये, और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है यहां पे माइनस था, ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहां शिफ्ट होगा। कहां शिफ्ट होगा, यहां पे शिफ्ट होगा। ये पाई इलेक्ट्रॉन जब यहां शिफ्ट होगा तो बॉन्ड यहां बनेगा, डबल बॉन्ड कहां बनेगा, यहां बनेगा, माइनस चार्ज यहां पे आएगा। फिर से क्या होगा,
फिर ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट करेगा, फिर इसका एक स्ट्रक्चर बनेगा, फिर इसका एक स्ट्रक्चर बनेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है, और क्लोरीन न्यूट्रल हो जाएगा, प्लस है माइनस ये वहां पे चला जाएगा, प्लस माइनस न्यूट्रल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स क्या हुआ, यहां जो क्लोरोबेंजीन है जो कि एक हेलोएरिनीज है, क्या है ये, हेलोएरिनीज है, एरिनीज मतलब बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर क्लोरीन लगा हुआ है, तो हेलोएरिनीज में क्या होगा, यहां पे हम लोग देखने वाले थे कि इलेक्ट्रोफाइल जो है वो हेलो एरिनीज के ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे क्यों अटैक करता है, मेटा पे क्यों नहीं करता है, वो इसलिए करता है क्योंकि हेलो एरिनीज के अंदर जो होता है क्लोरीन के पास लोन पेयर होता है जो कि पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन करता है, और कंजुगेशन करके ये जो लोन पेयर है इधर शिफ्ट होगा, ये माइनस चार्ज यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, माइनस यहाँ आ जाएगा, फिर से ये माइनस यहाँ शिफ्ट होगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, फिर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड यहाँ पे बनाएगा, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाएगा माइनस चार्ज, फिर से क्या होगा, ये माइनस यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा और यहाँ का जो पाई इलेक्ट्रॉन से उठ के क्लोरीन के पास चला जाएगा, और क्लोरीन के साथ, क्लोरीन के पास जो प्लस चार्ज उसके साथ माइनस न्यूट्रल होकर क्लोरीन न्यूट्रल हो जाएगा, फिर से वही बन गया। तो यहां पे ध्यान देने की जो बात है, यहां पे ध्यान देने की बात जो है कि माइनस कौन कौन से पोजिशन पे आया है, ध्यान से देखो माइनस कौन कौन से पोजिशन पे आया है, इस पोजीशन पे, ऑर्थो पे, फिर पैरा पे, ऑर्थो पे आया पहले माइनस, फिर पैरा पे, फिर ऑर्थो पे गया, ऑर्थो पे गया फिर न्यूट्रल हो गया, ध्यान से देखना है, माइनस कहां कहां गया, पहले ऑर्थो पे आया, ऑर्थो से फिर पैरा पे गया, पैरा से फिर ऑर्थो पे गया, तो इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल के पास क्या होता है, प्लस चार्ज, प्लस वहीं अटैक करेगा जहां पे उसको माइनस मिलेगा, प्लस कहां अटैक करेगा बच्चों, जहां पे उसको माइनस मिलेगा, तो माइनस किस किस पोजीशन पे आ रहा है, हेलोरिनीज के रेजोनेंस के बाद, ऑर्थो पे और पैरा पे, किस पोजीशन पे आ रहा है, या तो ऑर्थो पे आ रहा है या पैरा पे आ रहा है, फिर ऑर्थो पे आ रहा है, तो अटैक कहां पे होगी इलेक्ट्रोफाइल का, या तो ऑर्थो पे या पैरा पे, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, किस में होता है, तो हेलो एरिनीज में होता है, हेलो एरिनीज के किस किस पोजीशन पे होता है, तो ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे होता है, कौन कौन से पोजीशन पे होता है, या तो ऑर्थो पे होगा या पैरा पे होगा, ऑर्थो पैरा ऑर्थो, मेटा पे नहीं होता है, याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट है, मेटा पे नहीं होता है क्योंकि मेटा पे माइनस चार्ज नहीं आते, किस पे अटैक होता है इलेक्ट्रोफाइल का, या तो ऑर्थो पे या पैरा पे, इतना समझ में आ गया हम लोगों को। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का बहुत ही फेमस रिएक्शन, इसके तीन रिएक्शन बहुत ही फेमस होते हैं जो आज हम लोग पढ़ेंगे, सो पढ़ने से पहले हम लोग उसको लिखते हैं, और लिखने से पहले ये जो आप मैं पढ़ा चुका हूं इसको आप लोग अपने कॉपी पे लिखें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इरेज करने वाला हूं। स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट करता है, किसमें करता है, ये रिएक्शन कब होता है, कहां होता है, हेलो एरिनीज में, कहां होता है बच्चों, हेलो एरिनीज में, हेलो एरिनीज के किस किस पोजीशन पे, हेलो एरिनीज के किस किस पोजीशन पे, या तो ऑर्थो पे या पैरा पे, किस किस पोजीशन पे, या तो ऑर्थो पे या पैरा पे, क्वेश्चन पूछेगा हेलो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैक्सिमम किस कंपाउंड में होता है, हेलो एरिनीज में, किस पोजीशन पे होता है, ऑर्थो या पैरा पे, क्यों होता है वो मैं बता चुका हूं। अब इसके बहुत ही फेमस रिएक्शन है बच्चों, इसके तीन रिएक्शन बहुत ही फेमस हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के तीन रिएक्शन बहुत ही फेमस है जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आगे की जो चैप्टर है हेलो एरिनीज और हेलो एल्केन्स, 12th की पहला चैप्टर जो है एनसीईआरटी की ऑर्गेनिक की, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिनीज, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंस है इस तीनों रिएक्शन की, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग हेलो एरिनीज में ही होती है और नेक्स्ट चैप्टर में ये है, तो इसको अच्छे से पढ़ना है, समझना है और सीखना है। तो इसके जो तीन फेमस रिएक्शन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, पहला हैलोजिनेशन, बहुत बच्चे सोच रहे होंगे चौक क्यों चेंज हो गया, कोई बात नहीं चौक चेंज होता रहेगा। दूसरा जो होता है नाइट्रेशन,
दूसरा कौन सा? नाइट्रेशन। और तीसरा सल्फोनेशन। तीसरा कौन सा होता है बच्चों? सल्फोनेशन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का तीन फेमस रिएक्शन है, पहला हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन। तीनों को एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे कि हैलोजिनेशन क्या होता है, नाइट्रेशन क्या होता है, सल्फोनेशन क्या होता है। पहला कौन सा पढ़ेंगे हम लोग अभी? हैलोजिनेशन इन हेलोएरिनीज, हैलोजिनेशन इन हेलोएरिनीज, नाइट्रेशन इन हेलोएरिनीज और सल्फोनेशन इन हेलोएरिनीज। ठीक है बच्चों, किसमें होता है ये? हेलोएरिनीज में, इन हेलो एरिनीज, इन हेलो एरिनीज। ठीक है बच्चों, हाय। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के तीन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पहला हैलोजिनेशन इन एल्केन, दूसरा नाइट्रेशन इन हेलो एरिनीज, सल्फोनेशन इन हेलो एरिनीज, माफ करना, हैलोजिनेशन इन हेलो एरिनीज, नाइट्रेशन इन हेलो एरिनीज, सल्फोनेशन इन हेलो एरिनीज। हम लोग आज तीनों पढ़ेंगे एक एक करके कि ये तीनों रिएक्शन कैसे होता है, इसका मैकेनिज्म क्या है, ये रिएक्शन प्रोसीड कैसे करता है और एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पहला पढ़ेंगे, कौन सा? पहला कौन सा? हैलोजिनेशन इन हेलो एरिनीज। तो बच्चों हैलोजिनेशन इन हेलो एरिनीज आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हैलोजिनेशन इन हेलो एरिनीज कैसे होता है, क्या होता है, इसका मैकेनिज्म क्या होता है? मैकेनिज्म तो होगा भाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ही मैकेनिज्म होगा। इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा हेलो एरिनीज पे, क्या करेगा? इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा हेलो एरिनीज पे, ऑर्थो या पैरा पोजिशन पे। कहाँ अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल? हेलो एरिनीज के ऑर्थो या पैरा पोजिशन पे। लेकिन हो रहा है हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन का मतलब हैलोजन का सब्स्टिट्यूशन, हैलोजिनेशन मतलब हैलोजन, हैलोजन अटैक करेगा, हैलोजन का इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। कैसे करेगा वो अभी हम लोग देखते हैं। एक कंपाउंड लेते हैं इलेक्ट्रोफाइल, इसका जो रिएक्शन होता है बहुत ही फेमस रिएक्शन होता है, कैसे होता है वो देखते हैं। बेंजीन क्या होता है? बेंजीन जो होता है क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन Cl2 के साथ रिएक्ट करता है, क्लोरोबेंजीन Cl2 के साथ रिएक्ट करता है, किसके प्रेजेंस में? AlCl3 के प्रेजेंस में। क्या होता है? क्लोरोबेंजीन जो है Cl2 के साथ रिएक्ट करता है AlCl3 के प्रेजेंस में, प्रोडक्ट बनाता है। क्या? दो प्रोडक्ट बनेगा बच्चों, कौन कौन सा? एक बार क्लोरीन ऑर्थो पे आएगा, एक बार क्लोरीन पैरा पे आएगा। तो यहां तो रहेगा ही, यहां तो रहेगा ही, लेकिन एक बार क्लोरीन कहां आएगा? ऑर्थो पे, और एक बार क्लोरीन पैरा पे। कहां पे आएगा? पैरा पे। दो बार आएगा, दो प्रोडक्ट इसका बनेगा, एक बार ऑर्थो पे आएगा, एक बार पैरा पे आएगा। ऐसे रिएक्शन होती है हैलोजिनेशन। ये हैलोजन है Cl2, Cl2 किसमें हैलोजिनेशन हुआ? Cl2 का हैलोजिनेशन किसमें हुआ? हेलोएरिनीज में। तो हैलोजिनेशन इन हेलोएरिनीज आज हम लोग पढ़ रहे हैं, जहां पे Cl2 इस पे अटैक करता है ऑर्थो या पैरा पोजिशन पे, और अटैक करके यहां का जो हाइड्रोजन है उसको सब्स्टिट्यूट करके वहां पे उसके साथ लग जाता है। तो क्लोरीन क्यों, कैसे इलेक्ट्रोफाइल बनता है? सबसे बड़ा सवाल, क्लोरीन इलेक्ट्रोफाइल बनता कैसे है? सबसे बड़ा सवाल, क्लोरीन इलेक्ट्रोफाइल बनता कैसे है और कैसे ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे उसका सब्स्टिट्यूशन होता है, वो हम लोग अभी इसके मैकेनिज्म में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको जल्दी से लिखो और अभी इसका मैकेनिज्म हम लोग पढ़ते हैं। तो बच्चों इसका मैकेनिज्म जो क्या होता है, सबसे पहले जो होता है ये क्लोरीन, क्लोरीन जो है फर्स्ट स्टेप मैकेनिज्म का, फर्स्ट स्टेप, स्टेप वन मैकेनिज्म का, स्टेप वन क्या होता है? ये जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो
AlCl3 क्या करता है, AlCl3 के साथ रिएक्ट करता है। बच्चों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि AlCl3 जो होता है ये लेविस एसिड होता है। ये क्या होता है? लेविस एसिड। इसका इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। इसको क्या किसकी जरूरत होती है? इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। एल्युमिनियम को इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। लेविस एसिड है प्रोटॉन डोनर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। लेविस एसिड क्या होता है बच्चों? प्रोटॉन डोनर। प्रोटॉन डोनर मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रॉन कहाँ से चाहिए? इसके पास क्लोरीन है। क्लोरीन को बोलेगा AlCl3 कि इलेक्ट्रॉन लेके आ जाओ मेरे पास। इस क्लोरीन को बोलेगा कि आओ इलेक्ट्रॉन लेके आ जाओ। वैसे तो ये दोनों के पास बराबर ताकत है, दोनों लड़ाई करेगा, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन टूट के आती है। लेकिन इसको ताकत दे दिया AlCl3 ने, बोला हम तुम्हारे साथ हैं इलेक्ट्रॉन लेके आ जाओ। ये क्या करता है? इससे भी इलेक्ट्रॉन छीन लेता है, इससे भी इलेक्ट्रॉन छीन के इस पे माइनस आ जाता है। ये क्या करता है? इसके साथ जाके अटैच हो जाता है, ठीक है, और इस पे आ जाता है प्लस, बॉन्ड टूट जाता है। बॉन्ड क्या हुआ बच्चों? टूटा। AlCl3 इस क्लोरीन के बोला माइनस लेके मेरे पास आ जाओ, स्टेबल हो जाएंगे, मुझे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इसका साथ दिया। क्लोरीन क्या किया? इससे भी इलेक्ट्रॉन छीन के उसके पास चला गया और इस क्लोरीन के पास पॉजिटिव बच गया। क्यों साथ दिया AlCl3 इसका? क्योंकि AlCl3 लेविस एसिड है, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी। इन्होंने क्लोरीन को बोला इलेक्ट्रॉन लेके आ जाओ, क्लोरीन क्या किया? अपने बगल वाले क्लोरीन से भी इलेक्ट्रॉन छीन के उसके पास चला गया। तो इससे इलेक्ट्रॉन छीना तो इसके पास क्या आया? प्लस चार्ज। तो क्या बना? एक Cl प्लस और इधर क्या बना? AlCl3 था, एक क्लोरीन और आया Cl4 माइनस। फर्स्ट स्टेप में क्या बना? क्लोरीन AlCl3 के साथ रिएक्ट किया। यह लेविस एसिड है, लेविस एसिड। लेविस एसिड क्या होता है आप लोग पढ़े होंगे 11th में, ठीक है। इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, क्लोरीन को बोला इलेक्ट्रॉन लेके आ जाओ, क्लोरीन अपना इसका भी इलेक्ट्रॉन छीन के उसके पास चला गया, इसके पास प्लस आ गया। और एक क्लोरीन जब वहां पे गया तो AlCl3 AlCl4 माइनस हो गया। अब ये क्लोरीन जो है बच्चों, ये हो गया इलेक्ट्रोफाइल, प्लस चार्ज। प्लस चार्ज वाला इलेक्ट्रोफाइल होता है, तो ये क्या हुआ? इलेक्ट्रोफाइल। क्या हो गया बच्चों? इलेक्ट्रोफाइल। अब ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा सेकेंड स्टेप में? ये इलेक्ट्रोफाइल जो है इस क्लोरोबेंजीन पे अटैक करेगा। कहां पे अटैक करेगा? जहां जहां पे माइनस चार्ज आया था। कहां पे माइनस चार्ज आया था? एक ऑर्थो पे आया था, दूसरा पैरा पे आया था। तो ये क्या होगा? ये क्लोरीन कहां पे अटैक करेगा? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो सेकेंड स्टेप में अटैक होगा, सेकेंड स्टेप में अटैक होगा। तो सेकेंड स्टेप हम लोग देखते हैं। तो स्टूडेंट सेकेंड स्टेप में क्या होगा? स्टेप टू, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ये जो इलेक्ट्रोफाइल बना है फर्स्ट स्टेप में लुईस एसिड के कारण, जो क्लोरीन का इलेक्ट्रोफाइल बना है फर्स्ट स्टेप में, वो क्या होगा सेकेंड स्टेप में? क्लोरोबेंजीन जो है, जो हमारा कंपाउंड था रिएक्टेंट, उस क्लोरोबेंजीन पे के ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे अटैक करेगा। कौन अटैक करेगा? ये सीएल का इलेक्ट्रोफाइल। सीएल का इलेक्ट्रोफाइल कहां पे अटैक करेगा? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। क्यों करेगा? क्योंकि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे रेजोनेंस के समय नेगेटिव चार्ज आती है, इसके पास प्लस है, प्लस क्या करेगा? नेगेटिव के पास जाएगा। तो नेगेटिव कहां कहां आई थी बच्चों? ऑर्थो पे और पैरा पे। तो ये कहां कहां लगेगा? क्लोरोबेंजीन के ऑर्थो पोजीशन, क्लोरोबेंजीन के ऑर्थो पोजीशन और क्लोरोबेंजीन के पैरा पोजीशन। अब बच्चों, कुछ बच्चों के सवाल में, मन में सवाल आ रहा होगा, सर दोनों में स्टेबल कौन होगा? ये तो सर बनेगा, माफ करना ये एरो का साइन है। अब दो प्रोडक्ट बना। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ज्यादा मेजर प्रोडक्ट कौन बनेगा, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी, जिसकी अमाउंट ज्यादा होगी, वो कौन सा प्रोडक्ट होगा? बना तो भाई प्रोडक्ट दो, स्टेबल ज्यादा कौन है? तो ज्यादा स्टेबल कौन है? ज्यादा स्टेबल पैरा वाला होता है। ये कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? क्योंकि इसकी सिमेट्री है। इसके अंदर क्या है? दो चीज है, एक सिमेट्री है। देखो क्लोरीन क्लोरीन ठीक अपोजिट साइड लगा हुआ है, यहां पे क्लोरीन ठीक बगल में लगा हुआ, रिपल्सन हो सकती है। दूसरी कारण है स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस होती है क्या बच्चों? भीड़ भाड़।
जहाँ पे भीड़ ज़्यादा होती है ना वो कम स्टेबल होता है। क्लोरीन अगल बगल लगा हुआ है, क्लोरीन कहाँ लगा हुआ है बच्चों, जस्ट बगल में, दूसरे क्लोरीन के जस्ट बगल में लगा हुआ है। तो यहाँ क्या हुआ, भीड़ हो गया है, डेंसिटी बढ़ गया है, तो इसको बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। उससे क्या होता है, रिपल्सन होगा दोनों में, रिपल्सन होता है तो अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है, अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी, और अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी कम होगी। यहाँ पे क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगा, भीड़ भाड़ नहीं है, दूर दूर में लगा हुआ है, सेमेट्री है, तो ज़्यादा स्टेबल होगा, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है। तो दो कारण है स्टेबल होने का, ठीक है इसका। तो ये मेजर प्रोडक्ट होगा, ये क्या होगा मेजर प्रोडक्ट, ये क्या होगा माइनर प्रोडक्ट, ठीक है बच्चों, ये होगा माइनर, वो होगा मेजर। कैसे देखें, सेमेट्री से देखें, सेमेट्री से देखें। दूसरा स्टेरिक हिंड्रेंस, एस एच लिख सकता हूं मैं इसको, स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब भीड़ भाड़, सिंपल सा याद रखना है, भीड़ भाड़, यहाँ पे भीड़ ज्यादा है, तो भीड़ ज्यादा है तो रिपल्सन होगा दोनों क्लोरीन में, बोलेगा दूर हटो मेरे से, दूर हटे हटने बोलेगा तो अनस्टेबिलिटी आएगी, जिसके वजह से स्टेबिलिटी कम होगी। उसके अंदर ऐसा स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। दूसरा उसमें सेमेट्री भी है, क्लोरीन ठीक अपोजिट लगा हुआ है, ठीक है। तो ये दो कारण है उसके ज़्यादा मेजर बनने की। तो पैरा वाला ज़्यादा स्टेबल होता है, कौन सा ज़्यादा स्टेबल होता है, पैरा वाला एग्जाम में पूछ सकता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ऑर्थो पोजिशन और पैरा पोजिशन में दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन होता है, तो पैरा वाला। रीजन सिमेट्री है और स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है बच्चों। तो समझ में आया हेलोजिनेशन ऑफ इन, हेलोजिनेशन इन हेलोएरिनीज कैसे होता है। अब हम लोग देखेंगे नाइट्रेशन, तो इसको पहले आप लोग लिख लो, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके दो नेक्स्ट डे आपको लेक्चर नंबर 4 मिलेगा, जहाँ पर हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिहाज से। तो वो वीडियो जैसे ही अपलोड हो वैसे ही आपको पता चले, उसके लिए आप बेल आइकन को दबाएं, ठीक है। तो अभी तुरंत दबा दें आप लोग बेल आइकन को, जिन बच्चों ने लिख लिया है, और जो बच्चे नहीं लिखे वो लिख के दबाएं, स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हो। स्टूडेंट्स हम लोग अभी पढ़े हेलोजिनेशन इन हेलोएरिनीज, उसका मैकेनिज्म देखें कि किस तरह से हेलोजन का इलेक्ट्रोफाइल बनता है लेविस एसिड की प्रेजेंस में, और वो इलेक्ट्रोफाइल हेलोएरिनीज पे अटैक करता है ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे, ठीक है। और मेजर कौन सा होता है, पैरा वाला, क्यों होता है, क्योंकि इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम होती है और सिमेट्री होती है। तो पहला हम लोग रिएक्शन कर लिए हैं हेलोजिनेशन इन हेलोएरिनीज, दूसरा हम लोग करने वाले हैं कौन सा, नाइट्रेशन, कौन सा दूसरा रिएक्शन जो होगा, नाइट्रेशन, दूसरा रिएक्शन कौन सा होगा, नाइट्रेशन इन हेलोएरिनीज, नाइट्रेशन इन हेलोएरिनीज, ठीक है बच्चों। तो नाइट्रेशन इन हेलोएरिनीज कैसे होता है, नाइट्रेशन कैसे होता है, तो नाइट्रेशन HNO3 के प्रेजेंस में होता है। नाइट्रेशन किसके प्रेजेंस में होता है, HNO3 और H2SO4, कैसे होता है वो अभी हम लोग देखेंगे। तो देखते हैं एक एक करके। तो पहला कंपाउंड जो हम लोग लेते हैं हेलोएरिनीज, उसका होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, उसका होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हेलोएरिनीज लिए क्लोरोबेंजीन, ठीक है, क्लोरोबेंजीन ही हम लोग लेंगे बार बार, क्योंकि ये फेमस होता है, क्लोरोबेंजीन लिए। क्लोरोबेंजीन क्या करता है, इसका नाइट्रेशन करना है, क्लोरोबेंजीन का क्या करना है, नाइट्रेशन करना है। तो नाइट्रेशन कैसे होगा, तो इसके लिए दो चीज हम लोग लेते हैं, पहला HNO3, पहला HNO3 और H2SO4, क्या लेते हैं, HNO3 और H2SO4। और यहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल बनता है NO2+ का, कैसे बनता है अभी हम लोग मैकेनिज्म में देखेंगे, लेकिन यहां पे इलेक्ट्रोफाइल बनता है किसका, NO2 का, NO2+ इलेक्ट्रोफाइल बना, जो कि ऑर्थो पैरा पोजीशन पे अटैक करता है, कहां पे अटैक करता है बच्चों, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे। तो ये NO2 यहां पे आएगा, यह NO2 पैरा पे जाएगा,
NO2 या तो ऑर्थो पे आएगा या NO2 पैरा पे जाएगा, मेजर फिर वही पैरा वाला होगा, सिमेट्री है और स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि कैसे NO2 का इलेक्ट्रोफाइल बनता है H2SO4 के प्रेजेंस में, इसका मैकेनिज्म देखेंगे। तो स्टेप वन में क्या होता है बच्चों, मैकेनिज्म के स्टेप वन में इलेक्ट्रोफाइल बनता है। स्टेप वन में क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल बनता है, कैसे बनेगा देखते हैं। ये जो H2SO4 है, ये जो HNO3 है और इसका H2SO4, H2SO4 का स्ट्रक्चर कैसे होता है बच्चों, H O S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O O H, ठीक है, क्या होगा O H, ये एसिड होता है, एसिड क्या होता है प्रोटॉन डोनर। तो ये क्या करेगा, H प्लस को यहां से निकालना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहेगा, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, ये इलेक्ट्रॉन खींचना चाहेगा, तो इधर से अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये क्या बनाएगा। स्टेप वन में इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनता है वो हम लोग देखेंगे। तो H2SO4 जो है क्या करेगा, ऑक्सीजन जो है या ये ऑक्सीजन ले लो या ये ऑक्सीजन ले लो, इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है भाई, तो इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है तो इलेक्ट्रॉन खींचना चाहेगा, हाइड्रोजन से बोलेगा इलेक्ट्रॉन दो अपना जाओ बाहर, तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ऑक्सीजन क्या करेगा हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो क्या होगा O पे नेगेटिव आ जाएगा, क्या होगा O पे नेगेटिव आ जाएगा, H पे पॉजिटिव आ जाएगा, O पे नेगेटिव आएगा H पे पॉजिटिव आएगा। अब ये जो H प्लस है, ये जो H प्लस है वो क्या करेगा HNO3 पे जाएगा, H प्लस क्या करेगा HNO3 पे जाएगा। HNO3 का स्ट्रक्चर कैसे होता है बच्चों, तो ये H N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O ये होता है किसका स्ट्रक्चर, HNO3 का स्ट्रक्चर। HNO3 का स्ट्रक्चर देख ले बच्चों, ये हुआ HNO3 HNO3, ठीक है। इस HNO3 पे क्या करता है, ये जो H प्लस होता है क्या होता है, ये जो H प्लस होता है जो कि H2SO4 से निकला है, H2SO4 एसिड होता है, वो H प्लस इजिली डोनेट कर देता है, तो वो H प्लस जो है यहां पे आएगा, कहां पे आएगा यहां पे आएगा, यहां पे देखेगा सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव जिसके पास इलेक्ट्रॉन है वो उसको प्लस रख लेगा, ठीक है, प्लस के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो वह इलेक्ट्रोफाइल जो होता है H का H प्लस वो यहां पे आके अटैक करेगा, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लेगा, ये इलेक्ट्रॉन छीन लिया, ये ऑक्सीजन क्या किया इलेक्ट्रॉन छीन लिया, लेकिन ये ऑक्सीजन उस H प्लस को साथ देता है, वो इस H प्लस को साथ देता है तो इसके साथ बॉन्ड बनाता है, इलेक्ट्रॉन अपना देगा H प्लस को, H प्लस न्यूट्रल होगा तो बॉन्ड बनाएगा, तो क्या होगा कि O पे पॉजिटिव आ जाएगा, क्या होगा O पे पॉजिटिव आ जाएगा। अब बच्चों आप लोगों को पता होगा O पे जब पॉजिटिव आता है तो ये काफ़ी अनस्टेबल होता है और यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाता है, क्या निकलता है ध्यान देने की बात है, O पे जब पॉजिटिव आएगा तो H2O यहाँ से बाहर आ जाएगा, H2O जब बाहर आएगा तो क्या होता है कि ऑक्सीजन क्यों बाहर आता है ध्यान देने की बात, ऑक्सीजन नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, वो अपने पास प्लस नहीं रखेगा, नाइट्रोजन को बोलेगा इलेक्ट्रॉन दो मेरे पास प्लस है, नाइट्रोजन और ज़्यादा ताकतवर भी है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव ऑक्सीजन होता है, वो नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा, न्यूट्रल होकर H2O बन के बाहर आ जाएगा और NO2 पे क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, ध्यान देने की बात है, H2O बाहर आ जाएगा और NO2 पे क्या होगा प्लस हो जाएगा, कैसे होगा O पे यहाँ प्लस है, H प्लस आके O पे अटैक किया, O के साथ जुड़ के बॉन्ड बनाया, O से इलेक्ट्रॉन लिया, न्यूट्रल हुआ, बॉन्ड बना, O पे प्लस आ गया क्योंकि O अपना इलेक्ट्रॉन H को दिया, O पे प्लस आया, O प्लस रखेगा नहीं, क्यों रखेगा भाई, बहुत इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है और उसके बगल वाला कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है, उसको बोलेगा तू रख प्लस, मैं क्यों रखूंगा, मैं ज़्यादा ताकतवर हूँ, मैं माइनस रखूंगा, नाइट्रोजन से बोलेगा इलेक्ट्रॉन दो, नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेके बाहर आएगा तो इस पर माइनस आ जाएगा, इस पर प्लस आ जाएगा, ठीक है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन देगा तो एन पे प्लस आ जाएगा तो NO2 बनेगा, और ये NO2 जो होता है इलेक्ट्रोफाइल होता है और H2O बाहर आएगा। तो सेकेंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, NO2 का इलेक्ट्रोफाइल बना और यही NO2 का इलेक्ट्रोफाइल सेकेंड स्टेप में क्या करेगा, अटैक करेगा किस पे, हेलोएरिनेज पे, किस पे अटैक करेगा,
हेलो एरिनीज पे अटैक करेगा। तो स्टेप टू, स्टेप टू बच्चों मैं यहाँ लिख देता हूँ, स्टेप टू में क्या होगा, ये जो हेलो एरिनीज है, हेलो एरिनीज पे क्या होगा, क्या होगा बच्चों, हेलो एरिनीज पे क्या होगा, NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, समझ आ रहा है। NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल जो स्टेप वन में बना है वो सीधा अटैक करेगा, किस पोजीशन पे जाके लगेगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्यों लगेगा, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे रेजोनेंस के समय माइनस चार्ज जाता है, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे NO2 का सब्स्टिट्यूट करवाओ। यहां पे Cl NO2 ऑर्थो पे जाएगा और NO2 पैरा पे भी जाएगा, एक बार पैरा पे बनेगा, पैरा वाला मेजर होता है बच्चों, यहां पे बना हुआ है, ये प्रोडक्ट बनेगा ऑर्थो और पैरा पे, ऑर्थो वहां बना हुआ है, ऑर्थो पैरा दोनों यहां बना हुआ है। तो मेजर कौन होता है, सिमेट्री जिसमें ज्यादा हो, पैरा वाला हमेशा मेजर होता है, क्यों मेजर होता है, क्योंकि इसमें सिमेट्री ज्यादा होती है और क्या होती है बच्चों, और स्टैटिक हिंड्रेंस कम होती है। तो पैरा वाला मेजर, ऑर्थो वाला माइनर। लास्ट रिएक्शन जो बचा है, हम लोग कौन कौन सा रिएक्शन अभी हम लोग देखे हैं, हैलोजिनेशन इन हेलो एरिनीज, दूसरा नाइट्रेशन इन हेलो एरिनीज, और तीसरा हम लोग देखेंगे सल्फोनेशन। सल्फोनेशन कैसे होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लिखो, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है, सल्फोनेशन भी इंपॉर्टेंट है, उस पर कैसे कि कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बनता है और कौन सा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है वो देखेंगे, मैकेनिज्म देखेंगे, उससे पहले ये देखते हैं हम लोग। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अभी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हेलो एरिनीज का दो फेमस रिएक्शन देखा, पहला हैलोजिनेशन इन हेलो एरिनीज, दूसरा नाइट्रेशन इन हेलो एरिनीज। तीसरा फेमस रिएक्शन जो हम लोग अभी पढ़ेंगे और जो आज के लेक्चर का लास्ट रिएक्शन होगा वो है सल्फोनेशन इन हेलो एरिनीज, जो कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसीड करता है। कैसे करता है वो हम लोग देखेंगे अभी, उसका मैकेनिज्म देखेंगे, कैसे सल्फोनेशन का इलेक्ट्रोफाइल बनता है वो भी देखेंगे, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बनता है वो भी देखेंगे, ठीक है। तो लिखते हैं तीसरा रिएक्शन, फेमस रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, कौन सा, सल्फोनेशन, दो पढ़ चुके हैं, तीसरा सल्फोनेशन, सल्फोनेशन इन हेलो एरिनीज, सल्फोनेशन इन हेलो एरिनीज, तीसरा कौन सा, सल्फोनेशन इन हेलो एरिनीज। इसमें क्या होगा बच्चों, सल्फोनेशन में क्या होता है, वही फिर से वही खेल है, इसमें वही काम होता है, क्लोरोबेंजीन होगा जो कि एक हेलो एरिनीज है, क्लोरोबेंजीन पे क्या होगा, H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, और इस पे जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लगेगा, इस पे क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल जो बनता है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लगेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल इसमें कौन सा बनता है वो ध्यान देने की बात है। तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल जो बनता है वो बनता है SO3H+, ठीक है, HSO3+ बोल सकते हो आप लोग। तो यहाँ पे जो लगेगा SO3H ऑर्थो पोजीशन पे, और कहाँ लगेगा, पैरा पोजीशन पे, SO3H। अब स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर ये SO3H इलेक्ट्रोफाइल बना कैसे, ये SO3H इलेक्ट्रोफाइल बना कैसे, वो भी H2SO4 से। तो वो हम लोग देखेंगे अभी कि कैसे बना भाई, इलेक्ट्रो H2SO4 से SO3H इलेक्ट्रोफाइल कैसे बना। तो फर्स्ट स्टेप में बनता है भाई, रिएक्शन मैकेनिज्म का फर्स्ट स्टेप में क्या बनता है, इलेक्ट्रोफाइल। तो पहला स्टेप में देखते हैं इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनेगा, स्टेप वन, इलेक्ट्रोफाइल बना कैसे। तो ये जो H2SO4 होता है उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है बच्चों, HOS OH।
यहाँ पे क्या होता है बच्चों, एसिड है भाई, H2SO4 क्या है, एसिड है, H प्लस डोनेट करता है, आप सबको पता है। ये इलेक्ट्रो ऑक्सीजन बोलेगा मेरा इलेक्ट्रॉन मुझे दो, एसिड है भाई, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। ये बोलेगा H प्लस से मुझे इलेक्ट्रॉन दो, तू जाओ बाहर, ठीक है, जैसे नाइट्रेशन में किया था ये, तो H प्लस को बाहर निकाल देता है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, H डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन पे निगेटिव आ जाएगा भाई, और हाइड्रोजन बाहर गया तो पॉजिटिव आ जाएगा। ऑक्सीजन पे निगेटिव इसलिए आएगा क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ठीक है, तो H प्लस बाहर हो गया। नाइट्रेशन में क्या हुआ था, ये H प्लस चला गया था HNO3 के पास, यहाँ पे तो H प्लस को कोई देखने वाला है नहीं, तो ये कहाँ जाएगा भाई, कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, तो ये देखा कि H2SO4 ज़्यादा है, तो ये फिर से H2SO4 के पास चला गया, एक H2SO4 इसको लात मार के बाहर निकाला H प्लस को, वो H प्लस क्या किया, दूसरे H2SO4 के पास चला गया, बोला कि मेरी मदद करो, मेरे पास H प्लस है। तो क्या होता है, एक H2SO4 इसको बाहर निकालता है, दूसरी H2SO4 उसको मदद करता है, कैसे करता है अभी देखें। तो दूसरा H2SO4 के पास वो जब गया, दूसरे तो H2SO4 के पास गया, ऑक्सीजन के पास गया H+, वो H+, ये वाला H+, दूसरे H2SO4 के मॉलिक्यूल के पास गया, बोला कि मेरे पास H+ है, मेरे साथ बॉन्ड बना लो, ये इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लिया, ऑक्सीजन पे बॉन्ड बनाया OH का, ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाया तो भाई क्या बनेगा, क्या बनेगा, क्या बनेगा, तो ऑक्सीजन पे प्लस आएगा, इलेक्ट्रॉन दे गया हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन पे प्लस आया, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, बोलेगा मैं भाई प्लस नहीं रखूंगा, सल्फर को बोलेगा मैं प्लस नहीं रखूंगा, मैं तेरे से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव हूँ, सीधा इससे माइनस लेगा, इससे माइनस लेके बाहर जाएगा, कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा, कौन बाहर जाएगा, वाटर, और जब ये माइनस लेके बाहर जाएगा तो इस पे प्लस आएगा, क्या होगा, ये जब माइनस लेके बाहर जाएगा तो एस पे प्लस आएगा, और यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रक्चर जो बनेगा ये से ओ इस पे आएगा प्लस, उधर से वाटर बाहर चला जाएगा। कैसे गया वाटर बाहर, पहले H प्लस बना, पहले क्या हुआ H2SO4 क्या किया, ऑक्सीजन जो H प्लस को लात मार के बाहर निकाल दिया, उससे इलेक्ट्रॉन ले लिया, इलेक्ट्रॉन लिया तो H प्लस भाई नाइट्रेशन में तो HNO3 के पास चला गया था, लेकिन सल्फोनेशन में कहाँ जाएगा, सल्फोनेशन में तो बस H2SO4 है, तो वो H प्लस क्या करेगा, फिर से जाएगा H2SO4 के पास, बोलेगा भाई मदद कर दो, तो वही H2SO4 जो लात मार के निकालता है, दूसरा H2SO4 उसको मदद करता है, बोलता है आओ ठीक है बॉन्ड बना लो, तो इलेक्ट्रॉन देता है ऑक्सीजन अपना उसको, H प्लस के साथ बॉन्ड बनाता है, तो ऑक्सीजन के पास आ जाता है प्लस, तो भाई ऑक्सीजन को प्लस पसंद नहीं है, तो ये बॉन्ड तोड़ लेता है ऑक्सीजन, बोलता है मेरा इलेक्ट्रॉन दो सल्फर को, सल्फर के साथ बॉन्ड तोड़ लेता है, तो जब सल्फर से इलेक्ट्रॉन छीन लिया तो सल्फर पे आ गया पॉजिटिव, तो इस पे आएगा पॉजिटिव, उस पे हाइड्रोजन वाटर बाहर निकल गया, ये H2O बाहर निकल जाएगा भाई, ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल कौन सा बना, ये क्या बना, इलेक्ट्रोफाइल SO3H, क्या SO3H इलेक्ट्रोफाइल बना, तो यही इलेक्ट्रोफाइल सेकंड स्टेप में क्या करेगा बच्चों, इस पे अटैक करेगा, सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकेंड स्टेप, स्टेप टू मैं इसी में लिख दे रहा हूं, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, सेकेंड स्टेप में क्या होगा, जो तो मैं समझाने के लिए बताया था इसी में सेकेंड स्टेप में लिख रहा हूं, टाइम कम लग जाएगा हम लोगों को, टाइम बच जाएगा, इसलिए ये जो SO3H है, SO3H+ इलेक्ट्रोफाइल है, ये ऑर्थो पोजिशन पे या नहीं तो पैरा पोजिशन पे अटैक करेगा, और ऐसे SO3H ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जाके लग जाएगा, क्यों लग जाएगा, क्योंकि रेजोनेंस जब होता है हेलोएरिनीज में तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे माइनस आता है, इसलिए प्लस चार्ज वाला इलेक्ट्रोफाइल जाके ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे लगता है, और मेजर कौन सा होगा बच्चों, जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो, सिमेट्री ज्यादा हो, पैरा पोजीशन वाला मेजर होता है, तो मेजर इसी तरह होगा, तीनों का मैकेनिज्म एक ही है, हैलोजिनेशन का, नाइट्रेशन का, सल्फोनेशन का, तीनों का मैकेनिज्म एक जैसा ही है, ठीक है।
तीनों हम लोगों ने आज पढ़ लिया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन खत्म। इसका नेक्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी के नेक्स्ट चैप्टर में बहुत ही यूज है, ठीक है, एग्जाम में कभी पूछता भी है। तो बेसिक है, मैकेनिज्म का बेसिक चीज़ है और मैकेनिज्म हम लोगों को पूरी तरीके से आना चाहिए, अच्छी तरीके से आना चाहिए। इसलिए श्री कृष्णा क्लासेस मधेपुरा की तरफ से आपको रिएक्शन मैकेनिज्म का अलग टॉपिक पढ़ाया जाता है, जहां पे हम लोग फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा चुके हैं, आज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा चुके हैं, और नेक्स्ट लेक्चर जो होगा लेक्चर नंबर 4, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैकेनिज्म होगा, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फोर्थ लेक्चर में होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, वो लेक्चर मिस नहीं करना है। इसलिए बेल आइकन पे आप लोग क्लिक करें ताकि वो लेक्चर जैसे ही अपलोड होगा आप लोगों तक पहुंच जाए। और ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के बीच और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।